बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को गुजरे हुए 6 दिन हो चुके हैं। बीते 7 जुलाई सुबह 7:30 पर मुंबई के पीडी हिंदुस्तान हॉस्पिटल में दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय दिलीप कुमार उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। दिलीप कुमार के गुजर जाने से उनकी पत्नी सायरा बानो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी है, तो वही फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी गहरे सदमे में डूबे हुए है। अपने दर्द को सोशल मीडिया के जरिए बयां कर रहे हैं और कई बड़े राज खोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि हाल ही में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी एक राज खोला है। प्रियंका चोपड़ा ने बताया है कि दिलीप कुमार साहब ने उन्हें बेहद प्यारा सा तोहफा दिया था। जी हां, अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मिलकर उन्हें बेहद अनमोल तोहफा दिया था। आइए जानते हैं कि आखिरकार दिलीप कुमार साहब ने प्रियंका चोपड़ा को तोहफे के रूप में क्या दिया था। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्रियंका चोपड़ा गहरे सदमे में है और दिलीप कुमार साहब के साथ की उनकी कई खूबसूरत यादें हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने 7 जुलाई के दिन कई पोस्ट शेयर किए और अपने दिल के दर्द को बयां किया। प्रियंका चोपड़ा ने दिलीप कुमार साहब की यादों को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, हक हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। सौदागर यूसुफ साहब ने जिंदगी सर उठा के जी है। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब का डायलॉग लिखा है प्रियंका ने। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है, उनसे मिलने का मौका बहुत कम लोगों को मिला था, लेकिन उनमें से एक खुशनसीब मैं हूँ। जब से मैंने सायरा जी और यूसुफ साहब को जाना, मुझे उनसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और दुआएं मिली हैं। उनसे मिलना, कुछ हल्की बातें करना, मैं अपनी जिंदगी के कुछ सबसे हसीन पलों में गिनती हूँ। और इस तरह से प्रियंका ने बताया कि तोहफे के रूप में उन्हें हमेशा सायरा जी और दिलीप कुमार साहब से प्यार और दुआएं मिली हैं। जी हाँ, ये प्यार और दुआएं किसी तोहफे से कम नहीं हैं। इसके अलावा प्रियंका ने यहाँ पर वहीं प्रियंका ने दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि दी और अपने दिल के दर्द को बयां किया। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने एक और ट्वीट शेयर करते हुए दिलीप साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। बता दें आपको कि प्रियंका चोपड़ा का भी दिलीप कुमार के साथ बेहतरीन बॉन्ड था। प्रियंका चोपड़ा दिलीप कुमार साहब से कई बार मिल चुकी थी और उन पर प्यार बरसाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा एक बार दिलीप कुमार साहब के घर उनसे मिलने भी पहुंची थी और उनकी तबीयत का हालचाल जानने पहुंची थी। दरअसल ये बात है साल 2017 की, जब प्रियंका चोपड़ा दिलीप कुमार साहब के घर पहुंची और उन्होंने दिलीप कुमार साहब पर भरपूर प्यार लुटाया। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे ये तमाम तस्वीरें, और ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि प्रियंका और दिलीप कुमार का रिश्ता भी बहुत ही प्यारा था। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।